मस्त। हाँ बाकी डिजाइन अच्छा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह ही रोमा से काम करवा लिया, जल्दी उठ गई थी तो जल्दी भी सारा काम करवा लिया। आज हम लोगों ने जाना है उत्तम नगर शॉपिंग करने के लिए। नंदा पे जाएंगे एंड दिल्ली साड़ी हाउस पे जाएंगे, वहाँ से साड़ी सूट्स वगैरह जो भी मतलब जहाँ पे पसंद आएगा वहाँ पे देख लेंगे। तो आर एस समाज रोड पे बहुत मुझसे ना बार बार लोग पूछते रहते हैं कि ये नंदा की शॉप कहाँ पे है, नंदा की शॉप कहाँ पे है। सो गाइज, नंदा की शॉप उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन ईस्ट है, उधर आर एस समाज रोड है, वहाँ पे पड़ती है नंदा की एंड उसके आगे ही दिल्ली साड़ी हाउस है। सो वहाँ पे बहुत अच्छी वैराइटीज है साड़ी की, लहंगाज की, सूट्स की। तो वहीं से इसलिए शॉपिंग करते हैं और कंचन मासी घर जाएंगे। मेरे पास ना कमेंट आ रहे थे कि आप कंचन मासी घर चले जाते हो, उन्हें नहीं बुलाते। मासी बहुत हमेशा आती है जब भी मासी को टाइम मिलता है, बट अभी उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स और स्कूल्स वगैरह ट्यूशन ये सब चलते रहते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता। बाकी अगर मैं जा रही हूँ मासी घर पर, सुबह मेरी मासी का घर है, मैं हक से जा सकती हूँ। और शॉपिंग हम लोग मोस्टली उत्तम नगर से ही कर रहे हैं बिकॉज मेरे इन-लॉज भी वहीं पे ही है, तो हमारा वहाँ पे आना जाना लगा ही रहता है। तो हम लोगों में अभी मतलब ये सब इतनी चीज़ें नहीं कोई सोचता, तो बट बहुत से लोग ऐसी उल्टी उल्टी सीधी चीज़ें सोचते रहते हैं, तो प्लीज़ अपने माइंड से आप निकाल लीजिए। और क्या कहते हैं, बाकी अभी बस काम वाम तो हो गया, नहा धोकर निकलेंगे उत्तम नगर के लिए। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। बनानी मम्मी अभी लंच क्या बना आज? घिया चने की दाल वाले बिना उसके? मैं तो फिर खाती नहीं घिया। तो दाल भी बन गया? कौन सी? माँ छोड़ूंगी। चलो देखती हूँ। सुबह काकू ने चावल ही लाया आलू वाले, वो खा ले। आलू टमाटर वाले प्याज वाले नहीं, आलू टमाटर वो आदत पड़ी है ना मुझे, आलू प्याज आलू टमाटर वाले चावल में। मैं कह रही थी वाले ग्लास धुल गए ना, ये सुंदर कितने हैं ना। सो गाइस, ये वाले ग्लास लेकर आए हुए थे ट्यूसडे मार्केट, जब बहुत बहुत सुंदर ग्लासेस है, देखे बहुत अच्छे लगे थे, कल यूज हुए थे, बहुत अच्छे लगे थे। इसे अंदर रख देती हूँ अपना मैं। हाँ सो मम्मी और मैं हो गए रेडी, थोड़ा आज लेट हो ही गए, बैठे हुए थे थोड़ा, और यहाँ वहाँ फोन पे बहुत फ़ोन सबकी आई जा रही थी, बात बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी बज रहे हैं 3, निकलते हैं अब हम। हाँ फिर वहाँ से शॉपिंग करते हैं, देखते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं। फाइनली आज से स्टार्ट हुई ये शॉपिंग हमारी शादी के लिए, एंड कल परसों हम लोग परसों का ना चांदनी चौक का भी हम प्लान बनाएंगे, देखते हैं पक्का नहीं पता। फिर चांदनी चौक मम्मी के लिए बुधवार को छुट्टी होती है, तो वैसे ऑफ करते नहीं है लेकिन छुट्टी का दिन होता था इसलिए कहीं निकलना हो निकल जाते हैं हम बुधवार को। तो अभी तो फिलहाल आज तो मैं वैसे शॉपिंग करके आते हैं। तो ऑटो तो हो ही नहीं रहा था घर के वहाँ से, तो ऊबर से ऑटो फिर मैंने मेट्रो स्टेशन कर दिया है, बाहर हम बैटरी रिक्शा करके आ गए। मैंने अभी ऑटो करा है और अभी बस सिलेक्ट करना जल्दी पहुँच गया है, 15-20 मिनट में बस पहुँच जाए। पंद्रह मिनट बाहर इतना मासी घर पहुंचने वाले थे, अभी ऑटो वाले भैया यहाँ उतरे हैं सीएनजी भरवाने के लिए। लास्ट टाइम भी यही हुआ था ना सीएनजी, हाँ सीएनजी के लिए। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है ना, धूप भी है, ठंडक भी है, हवा भी चल रही है, मजा आ रहा है इस मौसम में। चलो ये शुक्र है लाइन नहीं दिया ज्यादा, हाँ जल्दी हो जाएगा। सो मासी घर पहुँच गए है और आज कोई है क्या हमारे वेलकम के लिए? छुपा रुस्तम ये रहा वेलकम के लिए, हमें पता है तुम यही मिलते हो। चलिए ये पकड़ के लेके जाती है हमें अंदर। चलिए कैसी है? मैं बढ़िया, आप सुनाओ? मैं भी बढ़िया, प्यारी प्यारी सी पीलू आज गुद कर रखी है पीप ने। नमस्ते मासी, कैसे? बढ़िया, बताओ। लंच आज मासी के घर पे ही है, घर पे बिकॉज हमारे बना हुआ था घिया, घिया की सब्जी। हाँ तो मैंने यहाँ पे आके वही पनीर की सब्जी बनी हुई है और नुंगनी भी आ गई साथ, हमारे आते ही आ गए है ना, वो कैंप आ गई है, ले ले तेरे लिए आ गई, ले कोक पी ले तू, हम नहीं पी रहे तू ही पी ले, ठीक है? नहीं पी रहे तू, ठीक है?
अभी बस बाहर निकले हो, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मजा ही आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ऐसा बहुत मस्त। ये वही वाले ना, ये वही तो नहीं है डॉगी ना, दूसरा है ना ये वाला डॉगी तो। और आगे उसके बच्चे हैं तो वो आपके पीछे पड़ेंगे, डरना मत, क्योंकि मैं चिल्ला गई थी इनको देख के। अच्छे तो छोटे छोटे से, आजा आजा, ये रे छोटे छोटे से, ये तो बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं दीदी। अभी अपने दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। रुक रुक चल आजा। अभी बस नंदा क्लोथिंग पे ही आए हुए हैं, तो सारे यहाँ पे देखिए ब्राइडल कलेक्शन लग रहा है ना, पीछे भी रेड। हाँ वो वाला मैंने देखा था, वो वाला मैंने देखा था, उनके पेज पे आ रखा था। चल वो अभी आते हैं फिर चलते हैं। हाँ हाँ, शॉपिंग कर करके इतना थक गए कि हमें कॉफी की जरूरत पड़ गई है। मासी कॉफी मंगवाई है हम सब के लिए, मैं थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ, मैं भी शुगर ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, मस्त। हाँ बाकी डिजाइन अच्छा है। ये वाला कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। डिसाइड करते हैं बाकी, है ना, कि लेना है कि नहीं लेना, डिसाइड करते हैं अभी। अभी नंदा से हम आए हैं दिल्ली साड़ी हाउस में, यहाँ से साड़ी देखने के लिए, देखते हैं कौन सी पसंद आती है ना। अभी बस हम लोग निकले हैं और निकलते ही देखिए जैसे ही हम ऑटो पकड़ा, बारिश आ गई है बाहर इतनी जोर से, हम ऑलमोस्ट पूरे भीग ही चुके हैं। ऑटो वाले भैया तक आए, पूरी की पूरी बारिश आ गई है, देखिए सडन आई है मम्मी, है ना बारिश चाहिए। हाँ सो गाइज, घर तो हम वापस आ गए हैं, एंड कल मम्मी ना मासी की शॉप पे गए हुए थे, और खेल जब साइश नॉल आए थे उसके बाद शॉप पे गए हुए थे, तो वहाँ पे एक सब्सक्राइबर, बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर आए हुए थे, जिन्होंने ये खाटू श्याम की इन्होंने खुद से बना रखी थी फोटो, बहुत सुंदर है। और कल मेरे पास ना आज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कल आप उनका आपको मिला था, मासी के ब्लॉग में देखा था, तो आपने उन्हें क्यों नहीं मेंशन किया। सो गाइस आयशा की भी हमने मतलब सूट का वो हमने दिखा रखा था, सो मुझे लोग बोलते हैं कि एक ही में आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा एक हम नेक्स्ट डे प्रमोशन कर लेंगे। आयशा ने भी अभी दो सूट और दिए हुए उन्होंने, हमने अभी वो नहीं दिखाया, हमने अभी तीन ही दिखाया, फिर आप लोग कहते ज़्यादा प्रमोशन कर रहे थे, इसी वजह से हमने नहीं दिखाया। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे, आपने बच्ची का नहीं दिखाया, परफ्यूम्स आते तो दिखाते, ये आता वो दिखाते, सो वेट कीजिए, मतलब हम नहीं दिखा रहे तो कुछ रीज़न होगा नहीं दिखा रहे, बिकॉज हमें ना कि अलग अलग दिखा रहे हैं। हाँ सो मैं अभी इसके बारे में बात करती हूँ, देखिए बहुत देना मम्मी फ्रेम, तो बहुत बहुत इन्होंने प्यारी बना रखी है और खुद से बना रखी है, बहुत सुंदर है। सो गाइस अगर, और पर अभी ना इसमें ना उन्होंने रेजिन का नहीं किया, अभी लिक्विड रेजिन डालकर ना इसका फ्रेम का देखती हूँ, या लेमिनेट होगा, देखती हूँ क्या करवाना है इसका, या फिर रेजिन ही करवा लेंगे, रेजिन करवा लेंगे फिर ना, या तो देखते हैं, क्योंकि वो वाला रेजिन वाला फ्रेम है तो एकदम सेट होकर आया, इसको करना पड़ेगा अभी, इसको करना पड़ेगा। हाँ जी, सो इनकी आईडी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, अगर आपको भी ऐसा प्यारा सा कुछ बनवाना है तो आप इनको जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सोनाक्षी नेम है इनका, बहुत ही प्यारी है और बहुत प्यारा इनका काम है, काम आपके सामने ही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी आईडी का लिंक है, जाके जल्दी से जाके आप इन्हें कॉन्टेक्ट कीजिए। गाइस हम लोग तो आ गए थे घर वापस, और आकर है ना डिनर करा, डिनर भी मैंने नहीं किया, मम्मी ने भी किया। हाँ तो एक ही रोटी खाई है बस, लिया पड़ा हुआ था हमने, हाँ। उसी से खा लिया, दोपहर को ही बनाया था, हाँ तो कुछ बनाया भी नहीं ऐसा, तो मेरा मन नहीं था, ऐसा हो जाती है कहीं भी जाओ, चाहे हमने किया कुछ नहीं है बट वैसे ही थकावट हो जाती है। और मम्मी बालकनी में बैठे हुए बिकॉज बारिश अभी तक आ रही है गाइस, मौसम बहुत अच्छा, हाँ यहाँ तक आ रही है बारिश, तो ये मेरे पे आ गई मोबाइल पे, एक ना ठंड सी लग रही है थोड़ी सी, आज जब भी हम निकले थे दोपहर से ही हवा आ रही थी, हाँ और हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। नोनी भी बोल रही थी, कह रही दीदी मैं जब गई थी ना सुबह तो हवा बहुत अच्छी आ रही थी, सुबह सुबह वाली बहुत अच्छा मौसम, मजा आ जाएगा। हाँ अब एसी का गया, अब टाइम मेरे को लग रहा है, हाँ चलो बहुत प्यारा मौसम हो रखा है गाइस, बहुत अच्छा। हम ना सोच ही रहे थे, मैं कहा ठंड नहीं आ रही नहीं तो, जैसे पिछले साल ना सारे त्योहार भी जल्दी थे तो मौसम ठंडा हो चुका था, हाँ इस बार इतना नहीं हुआ था, धूप आ रही थी बहुत ज्यादा, पर अब लग रहा है कि हो जाएगा। चलो बारिश अब ये विंटर्स की शुरुआत की निशानी ही है। सो अभी गाइस बस फेस वॉश करके आई हूँ, अभी जाती हूँ अंदर सोने के लिए, एंड शॉपिंग आज बहुत बहुत अच्छी रही, मैंने आज तीन सूट्स लिए हैं, दो साड़ीज ली है,
और अभी तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, वो आपको दिखेगा शादी के बाद ही दिखेगा, बिकॉज अभी ऐसे सारा एक्साइटमेंट पता चल जाएगा, मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं रह जाती, अभी से सारे कपड़े पता चल जाएंगे, तो शादी के बाद एक ही करके आप वो कपड़े देखना, और बहुत बहुत अच्छे आया है। अगर आप मतलब जैसे अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है और शादी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको भी परचेज करना है, सो उत्तम नगर ईस्ट पे के पास आर्य समाज रोड पे दो शॉप्स है, नंदा एंड दिल्ली सैडी हाउस साड़ी हाउस। अगर आप सूट देख रहे हैं, लहंगा देख रहे हैं, तो आप नंदा पे ज़रूर ट्राई कीजिए, वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन है, हर बजट के अकॉर्डिंग है, आपको जो बजट के अकॉर्डिंग आपको चाहिए होगा वैसे आपको कपड़े वहाँ पे मिल जाएंगे। लेटेस्ट उनके पास कलेक्शन है, प्राइजेस सही है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगेगा कि आपसे मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं उस चीज़ के लिए, मतलब उतनी चीज़ वर्थ इट नहीं है जितना पैसा वो चार्ज कर रहे हैं। और जो मेरा एंगेजमेंट का लहंगा था वो भी नंदा से ही था। साड़ी के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, दिल्ली साड़ी हाउस बहुत बहुत अच्छा है, वहाँ पे मतलब 4 फ्लोर्स बने हुए हैं, हर बजट के अकॉर्डिंग आपसे जाते ही पूछ लेंगे आपको कितनी बजट की साड़ी देखनी है, तो उस बजट के अकॉर्डिंग आपको उस फ्लोर पे भेज देंगे। जो नैन्सी की शादी पे मैंने साड़ी पहनी थी वो भी मैंने दिल्ली साड़ी हाउस से ही ली थी। और एक शायद मैंने ना उस पर आप लोगों को याद होगा पायल दी की शादी पे भी साड़ी पहनी थी ब्लैक एंड ग्रे कलर की, वो भी मेरी दिल्ली साड़ी हाउस से ही थी। तो मैंने अभी तक जितनी भी अपनी साड़ी मतलब अभी तो मैंने शादी से पहले 2 ही ली थी, अब 2 और ली है, तो मेरी चारों साड़ी दिल्ली साड़ी हाउस से ही आई है। उनके पास कलेक्शन बहुत बहुत अच्छा है गाइस, वहाँ पे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे भी आप लोग सजेस्ट कीजिए, और मैं कहाँ से सूट साड़ी और ज्वेलरी और कहाँ से देख सकती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके कुछ है कि आपके माइंड में कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा कलेक्शन मिलता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।